Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. स्वागत है आप सभी का इस नए रूम टूर पे, रूम नंबर 39 में, जिसकी कुंडी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन चलते हैं रूम के अंदर। चलते हैं मेरे रूम के सबसे खास जगह पे, जो कि ये है। लॉकडाउन में मेरा गेट इतना टाइट हो गया था कि एक दिन मैंने इसको बहुत मुश्किल से बंद किया, उसके बाद ये खुल ही नहीं रहा था। तो मेरा एक जूनियर आया और उसने बोला मुझे ठीक करना था, वो इस पर कूद गया। उसके बाद ये टाइल्स टूट गई, फिर एक टूटी, दो टूटी, उसके बाद ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। मैंने काफ़ी कंप्लेन भी की, बट ठीक है, कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं है। अब मुझे भी इसकी आदत हो चुकी है और ये मेरे रूम की पहचान भी है। तो मेरा रूम सबके लिए हमेशा खुला रहता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुंडी भी नहीं है, तो हम लॉक भी नहीं लगा पाते हैं। तो 24/7 खुला रहता है सबके लिए। हम घर जाते हैं तब भी खुला ही रहता है। कहिए क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से, और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%। और हमारे लिए यहाँ पे जैसे कुल्ला कर लिया, पानी पी के थोड़ा हाथ वाथ धो लिया, उसके लिए भी इजी रहता। बढ़िया मिट्टी है, तो मजा आते ही आपको दो बेड मिल जाएंगे जो हमें कॉलेज की तरफ से ही मिले हैं। दो बेड है, दो टेबल है, दो चेयर है और दो कबर्ड्स हैं। तो ये बेड है हमारे, जो कि बहुत ही अभी साफ सुथरे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बता देता हूँ, इसकी बेडशीट है, इसको उल्टी करके यूज़ किया जा रहा है। इसको खरीदे हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी देखते हैं कितने दिन और चल जाती है। उसके बाद आपको ये रस्सी मिल जाएगी जो हमने खुद लगाई है, और जहाँ हम कॉलेज से आते हैं तो जो भी हमारे कपड़े वगैरह रहते हैं हम सब आके इस पे रख देते हैं। फिर चलते हैं इस टेबल की ओर। दो स्टडी टेबल है, यह स्टडी के लिए आज तक कभी यूज़ हुई नहीं है, क्योंकि इस पे जो भी हमारा सामान रहता है, बैग हो गया, तकिया हो गया, बॉटल, कचरा जो भी मिल जाता है, वो सब हम इस पे रख देते हैं। ये मेरा एक गमछा है, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक टॉवल और एक गमछा दोनों है। अब बिहार से है तो एक गमछा रखना तो बहुत जरूरी हो जाता है ना, हमारी पहचान है गमछा। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। चलते फिर अगले स्टडी टेबल की ओर, जो कि मेरी है। मैं इधर बैठ के अक्सर पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली बेड पे पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत मजा आता है पढ़ने में। इधर तो ठीक है, बाहर का व्यू बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ। तो चलते हैं फिर हमारे पोस्टर सेक्शन की ओर, जो कि है ब्रेकिंग बैड, जॉन विक, डॉक्टर स्ट्रेंज और शिवजी, जो कि हमारे फेवरेट पोस्टर्स हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि थोड़ी गंदगी है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे भी वैसा ही था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि इतने भी पोस्टर्स लगा पाए हम। तो हमने जितना छिपा सकते थे हमने पूरी कोशिश की है छिपाने की। उसके और बात एक्सप्लेन कर, थोड़ा अलमारी एक्सप्लेन कर, कोई बात नहीं, पहुंच जाइए। तो हमारे रूम में एक और पोस्टर लग रखा है, जो कि एक एनिम कैरेक्टर का है, लेकिन मैं तो इसको कार्टून ही बोलता हूँ, लेकिन बार बार कार्टून बोलूंगा तो अभी मेरे रूम में से मेरी हाथापाई हो जाएगी, तो इसलिए सीन को यहीं पे कट कर। ये हमारा कपड़े रखने का एक और सेक्शन है, जहाँ पे हम अपने शर्ट या टी शर्ट जो भी रहता है वो रख देते हैं। यहाँ पे हम बैग भी टांग देते हैं, मतलब मैं ही बैग टांगता हूँ। और ये मेरा तकिया है, जिसको मैंने अभी अपने टॉवल से कवर कर रखा है, क्योंकि मेरा पिलो कवर बहुत ज्यादा गंदा है, जो कि मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ। फिर चलते हैं अपने अलमारी की ओर। उससे पहले थोड़ा ऊपर का सेक्शन भी मैं दिखाना चाहूंगा, जो कि है हमारा एक तरह से स्टोर रूम है, जिसके ये हमारे पुराने चद्दर और बेडशीट वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट सेकेंड ईयर की बुक्स पड़ी हुई है, और इसमें पहले थोड़ा खाना पीना रहता था, जो कि अब रहता नहीं है। अब चलते हैं अपने कवर्ड की ओर। आपको मैंने ऊपर वाला कवर्ड दिखा देता हूँ, जैसे देख सकते हैं आप, इसमें कितना सब कुछ सिस्टमेटिक वे से रखा गया है। एक बैग रख दिया गया है, यहाँ पे थोड़े बुक्स हैं, और कपड़ों को रैंडम रख दिया गया है, तो जैसे ही पहनना होता है तो ऐसे करके जो हाथ में आ जाता है वो इंसान पहन लेता है। तो ये मेरी अलमारी है, यहाँ पे आपको इस साइड कुछ थोड़ी बुक्स मिल जाएंगी, जो कि मेरे थर्ड और फाइनल ईयर की बुक्स हैं, और थोड़े नोट्स भी हैं मेरे यहाँ पे। इस साइड मेरे कपड़े हैं, यहाँ पे मेरे बैग्स वगैरह रहते हैं जो मैं घर जाता हूँ तो यूज़ करता हूँ, और बाकी जो भी मेरा सामान रहता है या कोई पैकेज या डिलीवरी रहता है वो सब मैं इधर ही रख देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले में यहाँ पे लॉक नहीं है, सिर्फ मेरे अलमारी में ही यहाँ पे लॉक लगाने की सुविधा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट सामान रहता है, जैसे आईपैड हो गया या फ़ोन हो गया या कुछ घड़ी वगैरह, वही तो सब अपने इसी अलमारी में रख देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पंखा काफ़ी गंदा हो रखा है, जो कि काफ़ी टाइम से साफ नहीं हुआ है, महीने साल पता नहीं कितना हो गया है। और ये ट्यूबलाइट भी वैसी है, साफ़ सफाई हुई नहीं है, लेकिन बढ़िया लाइट दे रही है, ये भी मस्त चलता है, तो हमें गंदगी नज़र नहीं आती, तो हम भी इतना ध्यान नहीं देते हैं।
ये है हमारा कॉमन आईना और ये है हमारे कॉमन कंघा, जो आजू बाजू के जितने रूम वाले वो सब यही इस्तेमाल करते हैं। अपने को उतना रहता नहीं है कि सेपरेट कंघा यूज़ करना है, बालों में प्रॉब्लम हो जाएगी, चलता है कंघी मिल जाती है वही बहुत है। अभी आपको बता रहा था ना, ये कॉमन कंघा और कॉमन आईना है, उसका लाइव एग्जाम्पल है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक और चेयर है जो हमें कॉलेज की तरफ से मिला है, तो इस पे जो भी हमारा अनवांटेड चीजें रहती हैं हम उसको इस पे रख देते हैं। जैसे कि अनजान बैग हो गया जो पता नहीं 10-15 दिन से रूम में पड़ा हुआ है किसका है, ये एक मरा हुआ तकिया हो गया जिसका कोई खास यूज नहीं रहा है हमको, तो ये बस इस पे पड़ा है। कैसा लगा मेरा रूम टूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो भी आपको रिलेटेबल मोमेंट्स लगे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भाई मिल लेंगे।